गोली मारने पे तुल जाते हैं। अब मुझे तो ये गेस्ट हाउस कम और जेल ज्यादा लगती है। अच्छा जानू, तुम ऐसा करो, मुझे ना एक कार्ड फीड करवा दो। मैं फोन बंद करती हूँ, अभी प्रोफेसर साहब को मिलना है ना। ओके सिया। आप इसे भी जल्दी से संभाल लो, प्रोफेसर साहब ने देख लिया ना तो बहुत डांटेंगे। तो मुझे इस प्रोफेसर साहब की समझ नहीं आती, हर वक्त डांटते रहते हैं, हर वक्त डांटते रहते हैं। बंदा कभी तो प्यार से बात कर लेता है, लेकिन नहीं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इस गेस्ट हाउस में रहने की बजाय मैं किसी पागलखाने में रह लेती। बिजली, तेरी भी क्या जिंदगी है, पूरे गेस्ट हाउस की सफाई मेरे जिम्मे, और ये लड़कियां ये खाती हैं ये फेंक देती हैं, किसी को इतना एहसास ही नहीं है, अकेली जान है, इस पे इतना जुल्म। तौबा तौबा, हाय, मेहमान आए तो बिजली चाय इनको पिला लो, कोई मेहमान जाए तो बिजली बर्तन तू उठा ले, हाय, कपड़े मैं धोऊं, खाना मैं पकाऊं, भला बताओ ये मेरे हाथ खाना पकाने वाले हैं, ये तो सिर्फ खाने वाले हैं। कि मैं इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, इसलिए। और ये प्रोफेसर साहब है ना, इनकी वजह से मुझे डांटते रहते हैं। इस गेस्ट हाउस में रहने से तो अच्छा था हम अपने घर में ही रहते, कम से कम साइमा की फिल्में तो देखने को मिलती ना। हाय अल्लाह, मैं कब बनूंगी साइमा? जिस दिन मैं हीरोइन बन गई ना, उसी दिन मैंने अपना गेस्ट हाउस खोल लेना। अगर ये प्रोफेसर साहब की रोक टोक ना होती ना, तो मैं अब तक हीरोइन बन गई होती। हाय अल्लाह, मुझे याद आया, प्रोफेसर साहब ने तो मुझे नीचे लॉन में बुलाया था। यह है अंबर, पत्तों की चीज का ताल्लुक है और ये साइमा से बहुत मुतासिर है और चाहती है कि मैं भी साइमा की तरह एक बहुत बड़ी अदाकारा बनूं, हत्ता के अदाकारी से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं। यार आज पता नहीं कौन सी कयामत नाजिल होने वाली है। यहाँ तो हर रोज ही कोई ना कोई टेंशन होती है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो हीरो की एंट्री होती है साइमा जी को बचाने के लिए। साइमा जी जरा पीछे आ जाएं अपनी जगह पे, जब विलन ने आना है उसने डंडे भी बरसाने और गेस्ट हाउस से बाहर भी निकाल देना है। उनकी मार खाकर मुझे तकलीफ ना होती है, मुझे तो हंसी आती है। बिजली चली गई। हाय मैं सदके में बारी, हाय हाय, इतने प्यार से आपने बुलाया या वो मीठा कामों की वाला, वो बुलाते। ओहो चुप करो, वो देखो प्रोफेसर साहब आ रहे हैं।